इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू में खेतों में धमाका हुआ है। जम्मू के ललियाना गांव में धमाका हुआ है। पीएम की रैली स्थल से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। गांव के कई घरों के शीशे भी टूटे हैं और अब इस एंगल से जांच हो रही है कि कहीं ड्रोन से बम तो नहीं फेंका गया है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को इस वक्त घेरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर है पीएम मोदी। पहली बार धारा 370 हटने के बाद जा रहे हैं। आज पंचायती राज दिवस भी है और ऐसे में सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित भी करेंगे। पवन मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। पवन, ये चिंता की बात है और पीएम की रैली स्थल से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है, और क्या जानकारी इस धमाके को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए हम उस गांव में है जहां पर यह धमाका हुआ था सुबह लगभग 4 और 4:30 बजे के करीब। ये आप देख सकते हैं जहां पर ये इतना बड़ा गड्ढा जहां पर गिरा था, जो भरा था, जिसको भी भर दिया गया है, यहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। और यहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो इलाका है वहां पर लोगों ने आवाज सुनी थी सुबह 4 और 4:30 बजे के करीब की, बहुत ज्यादा बड़ी आवाज यहां पर आई थी। और यहां से अगर हम बात करें, अगर बाय रोड दूसरे रास्ते से आते हैं तो लगभग 12 किलोमीटर दूर प्राइम मिनिस्टर की रैली हो रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि यहां से जो बीच का रास्ता शॉर्टकट रास्ता है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर पीएम की रैली है। धमाका इतना बड़ा था कि जो सामने घर देख रहे हैं इसके भी शीशे टूट गए थे। आसपास के इलाके में काफी ज्यादा दहशत जो थी वो लोगों के अंदर बनी हुई थी, क्योंकि गेहूं की फसल जो है यहाँ पर लोग काट रहे थे, सुबह यहाँ खेतों में होते हैं। और 4:30 बजे के बीच में इतना बड़ा धमाका होने के बाद आप देख सकते हैं कि गाँव में अभी भी दहशत का माहौल है। लोग यहाँ पर काफी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और जो धमाका यहाँ पर सुबह जो हुआ है उसे लेकर भी चिंता हो रही है कि पीएम की रैली आज पल्ली गांव में थी। और उससे पहले 2 दिन पहले जम्मू में एक बड़ा आतंकी हमला होता है सुजमा में, जहां पर 2 आतंकी मारे जाते हैं। जिस घर में जो हमला हुआ है उनके घर के लोग यहां पर हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या हुआ था हमें बताइए, सुबह कितने बजे ये हुआ? 4:35 की बात है, कोई बहुत बड़ी आवाज आई है मतलब ब्लास्ट की, तो घर के पूरे शीशे टूट गए। फिर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन करा विश्वनाथ थाना को, SHO साहब ठीक आधे घंटे के बाद आ गए, SP DSP भी सब टीम आई थी। तो क्या आप उससे पहले कोई ड्रोन की बात कह रहे हैं कि ड्रोन की आवाज भी सुनाई दी गई? पहले ड्रोन की आवाज आई, उसके बाद ब्लास्ट की आवाज सुनी। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि सुबह पहले 4:30 बजे के बीच में ड्रोन की आवाज, आपने भी आवाज सुनी थी, क्या हुआ था? आवाज तो सुनी सर बस, हम तो थोड़ा दूर रहते, आवाज सुनी थी सुबह। तो धमाका जब हुआ? हाँ 5:30-5:45 के बीच। अच्छा, आवाज सुनी थी। अभी हम इधर गाँव आए, अभी देखा इधर। तो ये बड़ी एक खबर है कि पीएम की रैली से महज अगर हम करें शॉर्ट का रास्ता जो है वो 4 किलोमीटर का है, यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। और पहले ड्रोन की आवाज जैसा गांव वाले कह रहे हैं कि उन्होंने सुनी थी, और उसके बाद ये धमाका जहाँ पर हुआ है, जिसकी धमाके की जो आवाज है लगभग 3 से 4 किलोमीटर रेडियस में। पीएम की रैली में ये खलल डालने की कोशिश है जिसको नाकाम किया गया है। मेरे सहयोगी पवन इस वक्त जानकारी दे रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले News18 India पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पवन, ये बताइए कि क्या इसको लेकर के इंटेलिजेंस इनपुट था, क्योंकि आपने भी जिक्र किया 2 दिन पहले आतंकी हमला होता है, बस पर हमला होता है जिसमें एक जवान की जान चली जाती है, और अब ये धमाका। देखिए पीएम की रैली से पहले बहुत ज्यादा सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिल चुके थे। कठुआ इलाका जो है, मडीन जो इलाका बॉर्डर के पास पड़ता है, वहां से 5 संदिग्धों को उठाया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, और उसके बाद जम्मू में अटैक होता है। जम्मू में 2 आतंकी मारे जाते हैं, और उसके बाद जम्मू से जहां पर इसी जो जम्मू जिले का इलाका है जहां पर पल्ली पंचायत जो सांबा जिले में पड़ती है, वहां पर जो होता है। अब यहां पर आप देखें, ये गांव है जो जिस गांव में आकर ये धमाका हुआ है, इस गांव में भी सुबह आज 4:30 बजे के भी धमाका, कहीं ना कहीं सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही है कि आखिर किस तरह से ये धमाका हुआ है। धमाके की आवाज सुनने के बाद आसपास के इलाकों से लोग भी जहां पर इकट्ठे हुए हैं। आप हमें बताइए कि क्या सुना आपने और क्या हुआ है इस समय? जी सुबह को 4:30-5:45 बजे की बात है, सारे आसपास जितने भी गांव है सभी में धमाके की आवाज सुनाई दी। पहले सभी को ऐसा महसूस हुआ कि ड्रोन जैसी कोई आवाज आ रही है, बिल्कुल जैसा ये भी कह रहे हैं कि ड्रोन जैसी आवाज आ रही है। ये गड्ढा आप देखिए, ये लगभग 4 फुट गहरा गड्ढा था जिसे अब भर दिया गया है पुलिस की ओर से। यहाँ पर ये धमाका हुआ था, इसके आसपास इस गड्ढे की जो पवन काफी जोरदार ये धमाका था, और समझिए कि 4 किलोमीटर जो शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से पीएम रैली को संबोधित करेंगे उसकी दूरी महज 4 किलोमीटर है, और ऐसे में सुबह ये धमाका होता है काफी तेज था जिसमें घरों के शीशे टूट गए हैं। मेरे सहयोगी पवन इसमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर पर हम लौटेंगे, बढ़ते हैं आगे। आलिया भट्ट ने अपनी पालतू बिल्ली के साथ तस्वीर शेयर की जो वायरल हो गई। आलिया भट्ट ने अपनी शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की जो तेजी से वायरल हो गई।
एक तस्वीर में वो अपनी पालतू बिल्ली के साथ खूबसूरत पोज देती नजर आई। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 3 पुलिस वाले घायल हो गए। बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल पर जा रहे इन पुलिस वालों को बस ने टक्कर मार दी। भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और अजय चौहान की टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 के फाइनल में फ्रांस की टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। युद्ध में जीत हासिल करने के लिए पुतिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को झुका नहीं पा रहे। वहीं ज़ेलेंस्की एकदम परफेक्ट वाली स्टाइल में जंग लड़ रहे हैं, वहां से जिसका पता पुतिन को भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ेलेंस्की पुतिन को परास्त कर दें, चाहे वो गोरिल्ला वार करें या अमेरिका की मदद से पुतिन को चैलेंज करें। ये तथ्यों के आधार पर निकाला गया एक सामान्य समीकरण है जो बताता है कि पुतिन की सेना यूक्रेन की सेना के बराबर नाम मात्र की है। जो लड़ तो सकती है, जान तो दे सकती है, लेकिन उसके पास अब वो हथियार नहीं है जिसके दम पर वो पुतिन की सेना को मात देते। Протикорабельні ракети «Гарпун» – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти захисту свободи і цивілізації Європи. Тому звертаюсь до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу. Ми потребуємо посилення санкційного тиску на Росію, бо тільки санкції здатні примусити Росію шукати миру і позбавити російську воєнну машину ресурсів. Ми потребуємо принциповості європейських компаній, щоб всі вони вийшли з російського ринку, бо їхні податки, їхні акцизи, які вони сплачують в російський бюджет. Зеленський ко хатіар чахіє. Зеленський ко апне упер ка асман Путін ке файтер джет ке бегер чахіє. Зеленський іске ліє лад рахе хе. Ор лад кар гірта хе, уске ліє дуніа кехті хе, кі гірте хе шех савар хі. Майдане джанг ме, во тифл кя гіре, джо гупно ке бал чаре. बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मुंबई की खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में किरीट सोमैया के चेहरे पर चोट आई है। किरीट सोमैया ने हमले का आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लगाया। पुलिस महाराष्ट्र जी आए के उद्धव ठाकरे के पुलिस आए। चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल के बाहर एक लावारिस बैग बरामद किया गया। इस बैग में बम बनाने का सामान, डेटोनेटर और कुछ जले हुए तार मिले, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। सस्पेक्टेबल एक्टिविटीज यहाँ पे नोट की गई। लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले पर विचार विमर्श के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया है। महायुद्ध को शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं। ना तो रूस के हथियार रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही यूक्रेन पीछे हट रहा है। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल और ये निकली चौथी मिसाइल। इस वीडियो में छुपी है रूस की नई रणनीति। ये वीडियो यूक्रेन युद्ध की नई कहानी तय करने वाला है। इस वीडियो में छुपा है यूक्रेन और उसके पड़ोसियों का भविष्य। ये रूस की नई युद्ध नीति का हिस्सा है। तस्वीरें दक्षिणी यूक्रेन के किनारे पर ब्लैक सी की है, जहां रूस की नेवी ने एक बड़ी एक्सरसाइज की है। समंदर में वॉरशिप से रूस की तैयारी देखिए। रूस की इस एक्सरसाइज में फ्रिगट वॉरशिप का इस्तेमाल किया गया है और इस वॉरशिप से कैलिबर मिसाइल लॉन्च करके रूस ने बता दिया है कि वो चाहे यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी चौतरफा है, जो महायुद्ध में किसी भी समय किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है।
यूक्रेन की जंग धीरे होने की बजाय अब और तेज होती जा रही है। यूक्रेन में इस समय हालात ये हैं कि वहां मौजूद लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कोई नहीं जानता कि कौन सा बम, कौन सी मिसाइल किस वक्त कहां आकर गिरे और उनकी जान पर बनाए। पूरा का पूरा शहर पहले ही खंडहर बन चुका है। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आता है।